नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज का वीडियो आप सबके लिए है, विशेषकर उनके लिए है जो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रोडक्शन हाउस होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में बहुत सारी तरह की भ्रांतियाँ होती है कि एक बहुत बड़ा जो बिग हाउस होते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वही प्रोडक्शन हाउस है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्शन यानी किसी भी चीज़ का फैक्ट्री, जहाँ से आप कोई भी चीज़ उत्पाद करते हैं। आप सोचिए कि कहीं पर अगर साबुन बनते हैं, तेल बनते हैं, या कोई भी FMCG प्रोडक्ट बनते हैं, तो दैट इज़ ए प्रोडक्शन हाउस। तो वैसा प्रोडक्शन हाउस जहाँ पर आप छोटी बड़ी या हर तरह की फिल्में बनाते हैं, यानी वहाँ से फिल्म बनकर निकलती है, तो वो उसका प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं या बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके प्रोडक्शन हाउस का नाम अगर आ रहा है तो आपका ये प्रोडक्शन हाउस हो गया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये प्रोडक्शन हाउस क्या बेनिफिट देती है, यानी क्यों खोलना चाहिए आपको अपना प्रोडक्शन हाउस। सबसे पहला नंबर है कि यह एक बहुत ही कम बजट में एक बेहतर बिजनेस का विकल्प है। आपको लगता होगा कि प्रोडक्शन हाउस खोलना कितना बड़ी बात है और कितना ज़्यादा पैसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं। कायदे से तो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे वो एडिटर हो, कैमरामैन हो, आगे चलकर अपना कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस जरूर खोलना चाहिए। वो बहुत कम पैसे में एक बढ़िया बिजनेस का विकल्प देता है। सेकंड है, आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा महंगे दामों में बिकती है। अगर आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है, सोचिए आप एक एडिटर हैं, आप दूसरे किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए अगर काम करते हैं तो आपको क्या सैलरी मिलेगी? जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन सोचिए कि अगर आपका वो खुद का प्रोडक्शन हाउस है और आप खुद एडिटिंग कर रहे हैं, खुद कैमरा वर्क कर रहे हैं, खुद डायरेक्शन कर रहे हैं, तो आपको उसके कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे अगर वो प्रोडक्शन हाउस आपका खुद का हो। और थर्ड है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपका प्रोडक्शन हाउस है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग मिलेंगे जिस फील्ड में आप नहीं हैं, यानी सिनेमा के क्षेत्र में ही, हम ये ग्लैमर क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। अगर आप एज ए एडिटर प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन का भी काम मिल गया, हो सकता है आपको पोस्ट प्रोडक्शन में DI का काम मिल गया, जो आपके पास नहीं है, आप दूसरी जगह से करा रहे हैं और उसका बेनिफिट आप मार्जिन आप रख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं मुंबई में जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, उनके पास एक कैमरा भी नहीं है, एक एडिटिंग टेबल भी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। वो हर चीज़ हायर करके लेते हैं, यहाँ पर तुम्हारा काम ये अच्छा है कर रहे हो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, और सारी चीज़ों को वो एक जगह पर असेंबल करके थर्ड एंड को, माने जो तीसरी पार्टी है, उसको दे रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि आपको अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए, यानी इसमें मल्टीपल। और कई बार क्या होता है कि आपको कोई इवेंट मिल गया, आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है, आपका कुछ जान पहचान हो गया सेलिब्रिटीज से या किसी से, तो आपको एक इवेंट मिल गया कि आपको ये इवेंट भी प्रोड्यूस करके देना है, यानी कहीं पर आपको मल्टीपल कैमरा, मल्टी कैमरा सेटअप लगाना है, आपके पास कैमरा नहीं है आप, लेकिन कहीं दूसरे से तो ला सकते हैं। आपको बिना इन्वेस्ट किए आपको प्रोडक्शन हाउस का बेनिफिट मिल जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि प्रोडक्शन हाउस खोलें कैसे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में या फ़ोन पर या ईमेल पर हमसे पूछा है कि हमको प्रोडक्शन हाउस खोलना है, हम कैसे खोलें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको लाइन बाई लाइन बताते जा रहे हैं और बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आप अपने मन में एक नाम सोचिए, अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम सोचिए जो फिल्म से जुड़ा हो, यानी ग्लैमर फील्ड से जुड़ा लगे। अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर जुड़ा हुआ हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन नाम सर्च करते समय, नाम रखते समय ये जरूर सर्च कर लें गूगल में कि उस नाम से कहीं दूसरे जगह कोई प्रोडक्शन हाउस तो नहीं है, किसी भी देश में तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी दूसरे ने ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करा रखा है उस नाम का, तो बाद में आपको तकलीफ हो सकती है। तो आप ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन ईजिली बिना पैसे का आप देख सकते हैं कि ट्रेडमार्क में वो नाम अवेलेबल है या नहीं। अगर नाम अवेलेबल है तो फौरन उस नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने की तैयारी शुरू करें। दूसरा काम क्या करना है, आपको एक फर्म खोलना है उसी नाम से। अगर XYZ आपने नाम रखा है तो उस नाम से आपको एक फर्म खोलना है। फर्म खोलने के तीन नियम हो सकते हैं, तीन तरीके हो सकते हैं। पहला है प्रोप्राइटरशिप, यानी आप खुद उसके प्रोप्राइटर हैं और एक फर्म आप खोल लीजिए एज ए प्रोप्राइटरशिप। आप किसी भी CA को बोलेंगे कि हमको एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल दीजिए, तो वो खोल के दे देंगे। सेकेंड है पार्टनरशिप, अगर आप चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप में इस फर्म को खोलें, तो दो लोग मिलके, तीन लोग मिलके, चार लोग मिलके, आपस में पार्टनर बनके, लेकिन हम ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे पार्टनरशिप में। जब तक से आपके घर के कोई ना हो तो बाहर से पार्टनरशिप करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप में एक और नुकसान होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें 30% आपके इनकम टैक्स कटने हैं।
जबकि प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं है, जो प्रॉफिट होता है उसमें से 2.5 लाख या 3 लाख जो भी उस समय का रेट चल रहा है इनकम टैक्स का, उतना माइनस होने के बाद ही आगे का कटता है पैसे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है प्राइवेट लिमिटेड, आप अपने फर्म का अगर थोड़ा बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो उसका प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना सकते हैं, और ये भी किसी भी सीए से आप करेंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये में प्राइवेट लिमिटेड बन जाता है, 2 से 5 हज़ार के रूप में प्रोप्राइटरशिप का फर्म खुल जाता है। अब फर्म खोलने के जस्ट बाद आपको नेक्स्ट काम करना है बैंक में उसी नाम से एक अकाउंट खोलना। जब आप बैंक में अकाउंट खोलने जाएंगे तो वो आपसे किसी भी दो तरह के पेपर के बारे में पूछेंगे, एक तो आपके पास अगर गुमास्ता है या जिसे महाराष्ट्र में गुमास्ता चलता है, यानी शॉप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, या आप आधार उद्योग से कर सकते हैं, या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन भी होता है, वो हर प्रांत में अलग अलग होते हैं लेकिन हैं, आप कहीं भी पता करेंगे तो आधार उद्योग या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन आप इजीली कर सकते हैं बहुत कम पैसे में, 1000 रुपये के अंदर आपका ये हो जाएगा, तो उसका एक पेपर, ताकि आपका एड्रेस प्रूफ हो जाए कि यह फर्म इस एड्रेस पर है इस समय। और दूसरा मांगते हैं दूसरा पेपर, या आप GST करा लीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर एक साल में होना है तो आपको GST कराना जरूरी है, तो GST का भी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गया है तो ये दो रजिस्ट्रेशन मिलकर के बैंक में खाता खुल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप GST नहीं भी कराए हैं तो भी आपका एक पेपर अगर है गवर्नमेंट का, कोई भी एक पेपर है आपके शॉप एक्ट का, तो भी आप, कई बैंक ऐसे हैं जो आपके करंट अकाउंट खोल देते हैं। तो यहाँ देखिएगा, आपको सेविंग अकाउंट नहीं खोलना है, आपको एक करंट अकाउंट खोलना है, तो आपका एक प्रोडक्शन हाउस का नाम रजिस्टर्ड हो गया, आपके बैंक में उसी नाम से एक खाता खुल गया, तो दो चीज़ हो जाने से आपका प्रोडक्शन हाउस पूरी तरह से ओपन हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा और मान्यता अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुंबई में इम्पा, जो इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन, वहाँ से आप एक कार्ड बनवा लीजिए, एज ए प्रोड्यूसर कार्ड बना लीजिए, तो उसमें अपने फर्म का नाम उसमें दे दीजिए तो वो और ऑथेंटिक हो जाएगा। एक विम्फा भी है तो उससे भी आप करा सकते हैं। तो किसी भी जगह से, मैंने मुंबई में इस तरह के दो संस्थाएं हैं, उन दो संस्थाओं में से किसी भी एक जगह से, अगर एक वेस्टर्न फिल्म प्रोड्यूसर का एसोसिएशन है और एक इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर का एसोसिएशन है, इन दोनों जगह में से किसी भी एक जगह से एज ए प्रोड्यूसर अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको आगे बहुत राहत होगी। जब बड़ी फिल्में बनाएंगे, बड़ा कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको सुविधाएँ मिलेंगी। तो ये तो हो गया आपका लीगल सारी चीज़ें। अब आते हैं कि ये प्रोडक्शन हाउस तो खोल दिया, इसके अब चैलेंजेस क्या आएंगे और उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला चैलेंज आएगा, आपने अपने यहाँ पर एक प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, अब आप काम मांगने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी न किसी के पास जाएंगे, कोई ना कोई क्लाइंट आपके पास होगा, जहाँ पर किसी क्लाइंट के पास आप जा करके अपने बारे में बताएंगे कि मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, या मैं एड फिल्म बनाना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ, प्रमोशनल वीडियो बनाना चाहता हूँ, इस तरह के किसी भी तरह के वीडियोज़ आप बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट का सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि इससे पहले आपने क्या क्या काम किया। डेफिनेटली यही क्वेश्चन रहेगा कि आप अपना कुछ काम का लिस्ट दिखाइए, या आप अपना वेबसाइट बताइए, तो वेबसाइट में मैं आपके काम देख लूँ। तो वेबसाइट तो आप बना लेंगे लेकिन उसमें आप काम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने काम ही नहीं किया। तो जब शुरू ही नहीं किया तो उनको आप पर विश्वास नहीं होगा, तो अगर होगा भी तो बहुत अपने लोग हैं तो एक दो काम दे दिए छोटे मोटे, लेकिन बड़ा काम आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए उसके लिए आपके पास एक बढ़िया जरिया मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस का आप फ्रेंचाइजी लीजिए। देखिए आपका अपना प्रोडक्शन हाउस तो है ही है, लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो फ़ायदा ये रहेगा कि उस फ्रेंचाइजी लेने से उनके सारे काम अब आपके हो गए। यानी आप बोल सकते हैं कि हम ये फर्म के साथ मिलकर कर रहे हैं और हमारा ये काम हमने इतने साल से किए करके रखा है, क्योंकि वो सारे काम आप उनको दिखा सकते हैं, उनके वेबसाइट में आपका नाम हो सकता है। तो इस तरह का भी आप काम कर सकते हैं। मेरा अपना खुद का फर्म है ishatv.com, आप चाहे तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, आप कहीं पर भी आप बात करें, उनके टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको सूट करता है, आपकी चीज़ें अगर उनको सूट करता है, अगर उनको लगता है, भरोसा होता है कि नहीं आप उस शहर में, किसी भी शहर में रहने वाले हों, आप अगर ये कहते हैं कि मैं इस शहर में इस आपके फ्रेंचाइजी लेके हम बेहतर काम कर पाएंगे, उनको अगर इसका भरोसा होता है तो डेफिनेटली वो आपको फ्रेंचाइजी देंगे और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं।
अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हैं तो आपको एक कैमरा लेना ज़रूरी है, आपको एक एडिटिंग टेबल रखना ज़रूरी है, तो उसकी भी बजट बहुत ज़्यादा नहीं आता है। यानी आप 2-2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए के अंदर एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस विथ इक्विपमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं छोटे लेवल पर। अगर आप थोड़ा सा बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो अपना क्रोमा स्टूडियो रखिए, अपने साथ और स्टाफ रखिए, मार्केटिंग टीम रखिए, तो आप बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा आदमी भी, छोटा व्यक्ति भी जो छोटे लेवल पर स्टार्ट कर रहा है, बिगनर्स है या स्टार्टअप है, वो भी फिल्म का प्रोडक्शन हाउस खोल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे वीडियो के ऑप्शन आते हैं बनाने के लिए। इस समय काम ही काम है। मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छा व्यक्ति है, अगर वो काम करने वाला व्यक्ति है, तो मैं जानता हूँ उसके लिए बहुत सारे स्कोप खुले हुए हैं, और इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पर आप अपना काम, अपने प्रोडक्शन हाउस का काम दिखा करके काम ले सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन हाउस खोलने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, किस तरह से खोला जाता है, और इसके चैलेंजेस क्या हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। अगर आप फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, राइटर, एडिटर या फिल्म मेकर के रूप में एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर समर के मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। 8 सेमेस्टर्स के इस साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए ऑडियो विजुअल कोर्स में आप स्क्रीन राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन, सिनेमा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के सभी बारीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी के जरिए पाए। अब आप भी इफ्टा सर्टिफाइड फिल्म मेकर बनकर सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिनेमा, टीवी और डिजिटल फिल्म इंडस्ट्री में अपना ड्रीम करियर बना सकते हैं। अभी इस नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.iftaindia.in पर।